आओ हिंदी सीखे के इस अध्याय में आज हम लोग कीबोर्ड का ये या न्यूमेरिक की के साथ स्पेशल कीबोर्ड के बारे में हम आपको स्पेशल कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे। आओ हिंदी सीखे के इस अध्याय में इससे पहले हम आपको 5-6 वीडियो बता चुके हैं जिसमें सारे की का यूज करना हम आपको विद शिफ्ट विदाउट शिफ्ट बताया। आज के इस सेशन में हम आपको न्यूमेरिक की 1 से लेकर 9 तक या 0 to 9 कहिए ये किससे क्या आएगा। यहाँ पे लिखे हैं देखिए 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और बिल शिफ्ट लगा के अगर आप यूज करते हैं तो ये दो री ये सब जो भी आएगा ये सब आपको बिल शिफ्ट के साथ बिल शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट का यूज करके आपको हम बताएंगे। तो आप यहाँ पे हम कुछ बताएं ये सब सारा वीडियो आप देख चुके हैं ये सारा हम आपको बताते आए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग न्यूमेरिक की के बारे में लिखे हैं हम कीबोर्ड लिखे हैं और यहाँ पे आपको हम विदाउट शिफ्ट और विद शिफ्ट के बारे में आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि 1 दबाते हैं विदाउट शिफ्ट तो सिंपल 1 दबाते हैं तो 1 ही आएगा। अब आप इसमें आइए और शिफ्ट के साथ आप 1 दबाइए तो आपको नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा। तो ये तो है। अब इसी चीज़ को हम एक चीज़ करना आपको भूल गए कहना भूल गए कि मंगल फंड्स लाने के लिए यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा और HI इंडिया चूज करना पड़ेगा। आप मंगल फंड्स अपने कंप्यूटर में ला चुके हैं ये सब हम आपको बता चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पीछे से हमारा वीडियो देखिए उसमें आपको समझ में आएगा। हम यहाँ से HI इंडिया ले आइए। यहाँ पे सेटिंग में आप जाएंगे तो कीबोर्ड में दिखेगा हिंदी रेमिंगटन गेल, क्योंकि हिंदी रेमिंगटन गेल पे ही हमको काम करना है CBI पे नहीं। तो यहाँ आप देख लीजिए अब हम यहाँ से टाइप करेंगे तो आप 1 कीजिए तो देखिए 1 आया। आप चाहें तो टैब यूज कीजिए माउस से यूज कीजिए शिफ्ट के साथ आप फिर 1 दबाइए तो आपको ऐसे आया। आप 2 में आइए विदाउट शिफ्ट फिर 2 दबाइए तो 2 भी होता है और शिफ्ट के साथ आप 2 दबाइए तो आपको बैक स्लैश दिखेगा। फिर 3 से 3 आएगा आप शिफ्ट के साथ फिर 3 दबाइए तो ये देखिए कोलोन आ जाता है। 4 से आपको 4 ही आएगा फिर शिफ्ट के साथ आप 4 दबाइए तो स्टार सिंबल आएगा विदाउट शिफ्ट। 5 से 5 आएगा शिफ्ट के साथ आप 5 दबाइए तो माइनस का साइन आएगा। 6 से 6 ही आएगा शिफ्ट के साथ आप दबाते हैं अगर 6 तो आपको ऐसे दिखेगा। 7 से आपका 7 आ जाएगा शिफ्ट के साथ अगर आप 7 दबाते हैं तो इस टाइप से आपका आएगा। फिर आप इसके नीचे में आइए अब 8 से सिंपल बात है कि 8 से 8 ही आएगा आप फिर शिफ्ट के साथ आप 8 दबाइए तो ये देखिए 2 जैसे आएगा। 9 से आपका 9 आएगा और शिफ्ट के साथ आप 9 दबाते हैं तो 3 आएगा और आप 0 दबाते हैं तो 0 ही आएगा और विद शिफ्ट अगर आप दबाते हैं 0 तो ये देखिए री जैसे बनेगा। फिर उसके बगल में माइनस साइन है तो जनरली दबाइए तो आपको ऐसे दिखेगा सेमीकोलन और शिफ्ट के साथ उसी को दबाइए तो डॉट जैसे डॉक्टर वगैरह में या फुल अनंत में लगाते हैं। उसके बगल में प्लस दिया हुआ है तो हर्षु आएगा और शिफ्ट के साथ आप उसी को दबाते हैं तो आपको हलंत बनता है। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिक की का भी यूज करके देख सकते हैं विदाउट शिफ्ट और विद शिफ्ट। हम इसके बारे में कुछ वर्ड सब जोड़ के आपको बताएंगे तो उसके हिसाब से हमारा काम होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बताए हैं। सपोज कीजिए कि ट्रॉ बनाने के लिए ट्रॉ एवं जेड बटन दबाना है, ह बनाने के लिए ह एवं प्लस बटन दबाना है, क्री बनाने के लिए क एवं प्लस बटन दबाना है, हाफ फ बनाने के लिए फ एवं बटन प्लस बटन शिफ्ट के साथ दबाना है, उ बनाने के लिए उ एवं क्यू के साथ दबाना है। सपोज कीजिए कि आपको ट्रक लिखना है तो आप अब देखिए तो आपको किससे आता है। सपोज कीजिए कि भी दबाइए या शिफ्ट के साथ आप भी दबाइए ट्रॉ और हम लिखे हैं जेड बटन तो जो ही जेड बटन दबाइएगा और डी से आपका क आता है तो आप ट्रॉ लिख सकते हैं। इस तरह से आप टिपिकल वर्ड जोड़ करके बना सकते हैं। अब क लिखे हैं सपोज कीजिए कि यहाँ से हमको इस टाइप के कोई कृपा लिखना है तो डी से क होता है और लिखे हैं प्लस बटन
तो शिफ्ट के साथ आप प्लस दबाइएगा या जनरली प्लस दबाइएगा तो ये देखिए। और पी के लिए आप देखिए, आपका पी के यहाँ से आता है, आई से आता है और के से आकार, तो कृपा लिख सकते हैं। ह एवं प्लस बटन दबाने से भी आपका ही बनेगा, तो ह आप देखिए किससे आता है, जी से आपका ह आता है, सॉरी जी से, और जी के साथ आप प्लस बटन दबाइए तो आपको इस टाइप से आपको आ जाता है, ये देखिए। तो ये बटन आप बना सकते हैं। हाफ उ बनाने के लिए आप उ लिखिए तो एम दबाइए, उ आता है, और आप वही बात, अब चूंकि हर्षु बटन दबाना है तो आप क्यू दबाइए तो वो आ गया। तो शिफ्ट के साथ आप अगर ये देखिए, आप इसमें उ लिख करके क्यू दबाइए तो इस टाइप से आता है, वो आपको एम से आ गया और आप क्यू दबाइए। तो अभी किसी कारण से नीचे ले लाया, कि वो बनाने के लिए आपको इसके बटन का यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम लोग कुछ लिख के बताएंगे। इसके अलावा हमें बताया है ई बनाने के लिए ई एवं जेड बटन, फर्क ऊपर रेफ बनाने के लिए फ एवं जेड बटन आप चाहे तो कर सकते हैं। आप कोई भी लिखिए, सपोज कीजिए कि हम डी से क लिखते हैं और शिफ्ट के साथ आप जेड दबाइए, ये देखिए उसके ऊपर में आ गया। कर्क लिख सकते हैं, फर्क लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और फिर उसी तरह से है जेड एवं फ एवं जेड बटन, तो आप फ लिखिए, सपोज कीजिए किसी से फ, जिससे आपको आता है उससे फ लिख करके क्यू दबाइए, और सॉरी शिफ्ट के साथ आप क्यू दबाइए फ आएगा, और वही जेड बटन दबाइए आप शिफ्ट के साथ तो ऊपर में लग जाएगा। इस तरह से हम लिखे हैं समान कीर्ति पूर्ति उर्फ वर्ण अन्य शब्दों ई की तरह बनाए जाते हैं। यदि आप उर्फ लिखना चाहते हैं तो पहले यू बनाए तथा स्पेस बार से आगे बढ़े, फिर वापिस आकर फिर फ बनाए, तो ये लिखाएगा। थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन पीछे नहीं हो पाया था, तो इसके कहने का ये रहा कि आप ऊ लिखिए, सपोज कीजिए कि हम लोग एम दबाते हैं, स्पेस दबाइए, फिर बैक आइए, और तब आपको शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे दबाने के लिए कहता है। ये देखिए, आप ऊ बनाने के लिए शिफ्ट के साथ आप क्यू बटन दबाइए, तो शिफ्ट के साथ क्यू दबाइए, सॉरी शिफ्ट के साथ क्यू दबाइए तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, इस तरह से आप बना के देखिए, ये आपका काम करेगा। इसके अलावा ढ के नीचे बनाने के लिए टिल्ले बटन, चढ़, पढ़ आदि बनाए जाते हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे आपको लिखना है गड, तो आप देखिए एक से आपका ग आता है, ढ लाने के लिए आप देखिए इसमें ढ आपको किससे आता है, तो ढ लिखिए और उसके इस नीचे हम लोग लगाएंगे। एम के बगल वाले से आइए, एम के बगल वाले से यहाँ आइए, और ये शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ आप इसको दबाइए तो एम के बगल वाले से ढ लिखने के लिए एम, सॉरी एम के बगल वाले से शिफ्ट के साथ आप दबाइए तो ढ हुआ, और टिल्डे बटन दबा दीजिएगा तो देखिए नीचे में लग गया। इस तरह से लिख सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की हम बताए हैं, अल्ट जीरो, अल्ट 33, अल्ट प्लस 33 दबाइएगा तो ऐसा आएगा। आप अल्ट दबाइए और 33 दबा के छोड़िए तो ऐसा आएगा। अल्ट के साथ आप 43, अल्ट के साथ 43 दबाएंगे तो प्लस बनेगा। आप अल्ट के साथ 61 दबाएंगे तो इक्वल टू साइन आएगा। इस तरह से अल्ट के साथ आप 63 दबाइए तो ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको यूज करके, आप इसको कुछ शॉर्टकट की हमने आपको बताया है, इसको आप यूज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, और अब इसका यूज करते हुए कुछ वर्ड हम आपको लिख के बताएंगे। सपोज कीजिए कि आपको छात्र लिखने हैं, तो आप देखिए कि आपका छ छ किससे आता है, तो एन दबाइए और सॉरी शिफ्ट के साथ आप एन दबाइए, के से आकार, और त्र लाने के लिए आप शिफ्ट के साथ 9 दबाइए तो आपका छात्र हो गया। इसी तरह से सपोज कीजिए कि हम लोगों को चंडीगढ़ लिखना है, तो आप जानते हैं च आपका पी से आता है, अनुस्वार दबाइए, ड लाने के लिए आप एम दबाइए और शिफ्ट के साथ एम दबाइए, हर्षिकार लाने के लिए आप एच दबाइए और ग लाने के लिए एक्स, और ढ के लिए अभी हमें तुरंत बढ़ाए एम के बगल में कॉमा वाला है और उसको हम लोग ये लाइए और टिल्डे बटन दबा देंगे, ये देखिए तो चंडीगढ़ लिखा गया।
तो इस तरह से आप इसका यूज करके बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लखनऊ वहाँ नहीं लिख पाए थे, आप लखनऊ लिख के ट्राई करिए। वाई से ल हुआ, ख के लिए पी के बगल वाले से आइए, इसको हटाइए और न लिखिए। न के लिए आप यू दबाइए और ऊ दबाइए, तो ऊ के लिए हमारा एम से आता है, आप एम दबाइए और फिर इसमें वही बात आप क्यू लगा के देखिए तो लखनऊ आ जाता है। तो लखनऊ लिखने के लिए आप उसका सहारा आप ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए ये क्या लिखता है लखनऊ के लिए, ऊ के लिए हम आपको शॉर्टकट में बनाए हैं कि सॉरी शिफ्ट के साथ ऊ एवं क्यू बटन शिफ्ट के साथ दबाना था, जो नहीं दबा रहे हैं शिफ्ट के साथ आप क्यू बटन दबाइए। शिफ्ट के साथ ये नीचे में ले रहा है लेकिन इसके बगल में आता है किसी कारण से, ये आपका नहीं ले रहा है तो ये आपको लेता है किसी कारण से, कहिए टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, उसके नीचे में नहीं लगता है वरना ये लेता है। तो आप फिर से एक बार ट्राई करके हम देखते हैं, वाई से लॉ हो जाएगा, कैप्स लॉक ऑन है, आप वाई से लॉ लखनऊ ख आपका ही हो गया, न दबाइए, न के लिए यू दबाइए और ऊ के लिए हमारा एम से हो जाता है और शिफ्ट के साथ हमको ये लखनऊ लिखने के लिए आपको हम अभी तुरंत बोले हैं कि ऊ बनाने के लिए ऊ एवं क्यू बटन, ऊ एवं क्यू बटन शिफ्ट के साथ, ये देखिए अभी लखनऊ लिया, किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं ले रहा था तो अभी लिया। तो इस तरह से आप लखनऊ भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग को उड़ीसा लिखना है, तो आप जानते हैं एम से ऊ आ गया, आपको डॉ लिखने हैं, उसी के साथ साथ आप ये दबाइए और हर्षी कार लाने को उसके नीचे में चाहिए, नीचे में चाहिए तो अभी हम लोग पूरा चर्चा किए हैं ये उड़ीसा ढ लाने के लिए टिल्डे दबाइए, तो ये देखिए उड़ीसा हो गया, हर्षी कार दीजिए, आपको एस से हर्षी कार हो गया और सौ लिखना है, एल से सौ, सॉरी एल से सौ हो जाएगा और के से आकार तो उड़ीसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सारे वर्ड को देख करके आप न्यूमेरिक की के साथ साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम आपको बताए हैं उसे जोड़ के टिपिकल वर्ड आप लिख सकते हैं और आप काम आप कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस वर्ड के अंदर में हम लोग न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए कुछ टिपिकल वर्ड आपको हम बताएं, आप यहाँ से आप पढ़िए, हम यहाँ पे लिखे हैं कि ड्रॉ बनाने के लिए क्या होगा। उसके अलावा अगर आपको ऐसा कुछ बनना है, सामान्य में तो हम कुछ लिखे हैं कैसे सीधे फोन नहीं बनता, कैसे वो बन जाता है, इस टाइप से आप ढक के नीचे कैसे चंद्रबिंदु लगाएंगे टिल्डे बटन दबा के, ये सभी हम आपको इसमें डिटेल किए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस वर्ड के अंदर में मंगल फोन्स रेमेंटल गेम के अंदर में न्यूमेरिक की के साथ साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।